गोक्षुर एक कांटेदार पौधा है, पर उसके कई गुण आयुर्वेदा में काम आते हैं। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज का हमारा टॉपिक है गोक्षुर और उसके गुण जो कि हमारे लिए लाभकारी हैं। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स गिवन है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गोक्षुर। लघु पंचमूल में 5 ड्रग्स आते हैं, बृहति, कंठकारी, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, गोक्षुर। तो आइए शुरू करते हैं। बॉटनिकल नेम ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, फैमिली ज़ाइगोफिलेसी। आचार्य चरक ने मूत्र विरेचनीय शोथर क्रमिग्न अनुवासनोपक गण में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने विदारी गंधादि वीरतरवादी। लघु पंचमूल कंटक पंचमूल वातश्मरी भेदन में रखा है। भाप प्रकाश ने गुरुचि वर्ग में रखा है। जानते हैं संस्कृत नेम्स। गोक्षुर छुरे की तरह तेज कांटे खेतों में चढ़ने वाले पशुओं के पैरों में गढ़ते हैं और उनको शत करते हैं। जो इसमें थॉर्न्स होते हैं वो हर्ट करते हैं जो चढ़ने वाले पशु। स्वदंष्ट्रत कुत्ते की दंष्ट्रत सहित जो थॉर्न्स होते हैं, दे आर सिमिलर टू डॉग्स कैनाइन टीथ। स्वादु कंटक मधुर कंटक वाला, त्रिकंटक तीन कांटों वाला, वन श्रृंगार वनों में होने वाले सिंघाड़े की आकृति का फल, चंद्रुम चने के सदृश पत्र युक्त, इक्षुगंधिका ईक के समान गंध वाला। हिंदी में इसे गोखरू हज्जिकार बुलाते हैं, बंगाली में गोखरी गोक्षुर, मराठी में सराटे कांठे गोखरू, गुजराती में नहाना गोखरू बैठा गोखरू, इंग्लिश में वी कॉल्ड इट एज लैंड कैलट्रॉप्स पंक्चर वाइन। अब हम जानते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी जो है स्वरूप। ये जमीन पर फैलने वाला क्षुप है। 2 से 3 फुट लंबी इसकी शाखाएं चारों ओर फैली रहती है। इसके पत्ते चने के पत्तों की तरह पत्रक 5 से 7 जोड़ों में विषमाकार में होते हैं। इसके पुष्प यानी फूल छोटे पीतवन पत्तियों के अभिमुख होते हैं। इसके फल गोलाकार 5 से 12 कांठीय खंड युक्त, प्रत्येक खंड में 2 जोड़े तीक्ष्ण कांटे होते हैं जिनमें 1 जोड़ा लंबा होता है। इसके बीज फल के प्रत्येक खंड में होते हैं और बीजों में 1 सुगंधित तेल होता है। इसका मूल 4 से 5 इंच लंबा धूसर वर्ण सूत्रमय तथा ईषद सुगंधी होता है। इसकी 2 वेराइटीज हमें देखने को मिलती है, बृहद गोक्षुर और लघु गोक्षुर। बृहद गोक्षुर तिलकुल फैमिली पिडियालेसी, बॉटनिकल नेम है पिडालियम म्यूरेक्स। इसके फल लघु गोक्षुर से बड़े होते हैं। यह समुद्र तटवर्ती प्रदेश में होता है। लघु गोक्षुर ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। अगर हमसे सिर्फ गोक्षुर के बारे में कहा जाए तो हमें लघु गोक्षुर ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस समझना होगा। रसायन इफेक्ट ऑफ बृहद गोक्षुर इज बेटर देन लघु गोक्षुर। जानते हैं उत्पत्ति स्थान, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समस्त भारत में होता है। अब जानते हैं इसका रस पंचक। इसका रस मधुर, गुण गुरु स्निग्ध, वीर्यशील, विपाक मधुर, दुष्कर्म वातपित शामक होता है। बट जो गोक्षुर की मूल होती है वो उष्णवीर और त्रिदोष शामक होती है। जो शोधनाशक प्रॉपर्टीज होती हैं वो रूट की वजह से आती हैं, पर इसका रसायन वाजीकरक बल्ले जो इफेक्ट है वो फ्रूट की वजह से आता है। अब जानते हैं इसके कर्म और प्रयोग। संस्थानिक कर्म नाड़ी संस्थान और प्रयोग। यह वेदना स्थापन वात शामक है। नाड़ी दौर बल्ले वेदना युक्त विकार वात व्याधि में हम इसका यूज करते हैं। पाचन संस्थान ये आमाशय के लिए बल्ले और अनुलोमन है, अधिक मात्रा में सारक है। अग्नि दौर बल्ले और श्रद्धा विवंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। रक्तवे संस्थान दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हृदय है, रक्त पित्त शामक है, शोथर है। श्वसन संस्थान कफ निसारक है, इसलिए हम इसे कार श्वास में प्रयोग लेते हैं। प्रजनन संस्थान गर्भ स्थापन तथा वृष्य है, गर्भपात योनि व्यापक तथा क्लैब्य में देते हैं। मूत्रव संस्थान अश्मरी नाशन है तथा मूत्रल है। सात्विकरण बल्ले है, दौर बल्ले में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोज्यांग फल और मूल। मात्रा फल चूर्ण की 3 से 6 ग्राम, क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर, 30 to 50 ml सिंगल डोज। विशिष्ट योग फॉर्मुलेशंस गोक्षुरादि चूर्ण, गोक्षुरादि अवले, गोक्षुरादि गुगलू, दशमलारिष्ट, गोक्षुरादि क्वाथ। थैंक यू, आई होप वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट अस नो इन दी कॉमेंट बॉक्स कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।